ये स्टार्ट हो गया। दूसरे वाला बोल हार के जीतने वाले को
बाजीगर कहते हैं, बाजीगर मैं बाजीगर। अरे पापा फोकस, इन्होंने मुझे क्रूज से उठाकर अरेस्ट करके यहाँ पे लाया है। अरे वानखेड़े साहब, वो तो जस्ट बोला मुझे पानी में तैरना है, इसीलिए मैंने उसे क्रूज पर भेज दिया। मैंने भी सोचा किसको तो अरेस्ट करना ही है, फिर इसको क्यों ना कर लूं? मैंने इसको मुद्देमाल सहित पकड़ा है। अच्छा, ये तो असली माल है। गुड चॉइस आयन। थैंक्स डैड। सही और गलत की तुमको अच्छी पहचान है। अच्छा है, लेकिन तुमको मालूम है ये क्रूज पे क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? इसके साथ ही उसको पकड़ा था क्रूज पे, ये और क्या कर रहा होगा? तुम क्या कर रहे थे आयन? मैं ब्रेड बटर शक्कर खा रहा था, वो भी केसर के साथ। असली केसर का स्वाद। बोलो जुबान केसरी। आपके बेटे को चाहिए सही शिक्षा, डाउनलोड कीजिए MyJoo ऐप। MyJoo? हाँ MyJoo, मेरा जूता। 4 फटके पड़ेंगे ना तेरे बेटे को तो सीधा हो जाएगा सीधा। मेरा बेटा सीधा ही है। अबे साले, तू खुद टेढ़ा हो के हर फिल्मों में लड़की पटाता है, तो तेरा बेटा कैसा सीधा होगा रे? वानखेड़े, मेरे लड़के को छोड़ दो, मैं तुम्हारे स्टेडियम पर कभी नहीं आऊंगा। हे चल, वैसे भी तेरे को कौन बुलाएगा वहां पे? प्रधान जी, तू वानखेड़े के साइड से है क्या? महाराज, इसने तो एक मंत्री अपने साइड से लगाया है, वो चलता है क्या? हाँ कबाब साहब, क्या इसकी दो दो शादियां हुई है? महाराज, इसकी दो दो शादियां हुई है। महाराज, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इसकी दो शादियां हुई है, इस बात का यहां क्या फर्क पड़ता है? हाँ ना, मतलब बहुत बड़ी क्रांति की है क्या? हाँ कबाब साहब, क्या इसने 2 लाख का पट्टा पहना है? महाराज, इसने 2 लाख का पट्टा पहना है। हाँ, 1 लाख के जूते पहने हैं। महाराज, इसने 1 लाख के जूते भी पहने हैं। अरे कबाब साहब, इतने तो हमारे महाराज भी नहीं पहनते। वानखेड़े, अरेस्टिंग। मेरा बेटा तो बस घर से शक्कर ले जाकर क्रूज पर जाकर खा रहा था। सर, मैं ब्रेड बटर शुगर ऐसे खा रहा था सर, मैं बेकसूर हूँ, मुझे प्लीज बेल दो सर। हाँ कबाब साहब, क्या 25 करोड़ मांगे? क्यों, दूसरा स्टेडियम बनाना चाहता है क्या वानखेड़े नाम का? अरे कबाब साहब, आप महाराज को बोलिए ना SIT बिठाए और मेरे लड़के को छोड़ दे। हाँ महाराज, ये आपको ऑर्डर दे रहा है? ओए, तू मुझे ऑर्डर दे रहा है? मैं महाराज हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा सारा रुपया लगा है मेरी अगली फिल्म में, 25 करोड़ कहां से लाऊं? क्या मतलब? महाराज, ऐसा करते हैं, क्या फिल्म का इनकम आधा आधा बांटेंगे। अभी तो तुम खुद ट्रोल हो रहे हो, तुम्हारी फिल्म कहां से चलेगी? प्रधान जी, गुड पॉइंट। अरे ये पब्लिक है, पब्लिक शॉर्ट टर्म मेमोरी। महाराज, रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चे को मत छोड़ो, बड़ा नेक्सस हाथ आया है। अरे वो नेक्सस से तू 25 खोखा कमाएगा तो मैं क्या करूंगा? 25 खोखा? वो डॉन 2 बोल रहा था तुम्हें 25 खोखे देने हैं। महाराज, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अरे 25 छोड़, 50 दिलाता हूँ, इसकी अगली फिल्म में तुझे पार्टनर बनाता हूँ। महाराज, आप किसकी बातों में आ रहे हो? मैं इसको साथ में लेकर ये बेचने लगा तो साल का 5,000 खोखा कमाऊंगा, तो 20-50 में इसको क्यों छोड़ दूं? क्या इतना इनकम है इसमें? हाँ वानखेड़े, बच्चों को छोड़ दो। अरे डोंट डू। अरे फिल्मों को छोड़, इसमें करियर करते हैं, बुरा है लेकिन पैसा है। हाँ बेटा, तुम घर जाओ। महाराज, मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा हुआ है। हाँ तो इसमें बुरा क्या है? ब्रेड बटर शुगर हर्बल पाउडर खाना बुरा थोड़ी है। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, जा। थैंक यू सर, सी यू पॉप्स। हाँ सी यू आयन।
हेलो बेब्स, हाय, कैसे हो? अच्छा सुनना, माल है क्या तेरे पास? 27 दिन से भूखा हूँ यार, ब्रेड बटर शुगर खाने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, मिलता हूँ, बाय, लव यू बेब्स। थैंक यू महाराज, थैंक यू। ए सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और अगर उसमें मेरा लड़का कहीं दिख जाए तो ध्यान मत देना, कुछ कह नहीं सकते, क्या पता चलो ढूंढना पड़ो। वांगड़े, ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है, कल से तुम ट्रैफिक देखना। क्या? तुम्हारे जैसे ईमानदार ऑफिसरों की वहां जरूरत है, ठीक है? ओके। अरे सुनो सुनो सुनो, वो पाकिट तो देते जाओ। बेटा जी, ओ महाराज जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी गरम कभी गरम।